बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं और आज हम उसमें MCQs करेंगे। पुट अ सर्कल ऑन द करेक्ट आंसर। इसी तरह आप अपने दिल के गिर्द भी एक दायरा खींचें और उस दिल में अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत डालें, क्योंकि ज़िंदगी भी एक कठिन सफ़र है और उसके बाद तो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी। तो जिससे दुनिया में मोहब्बत की होगी, ये आख़िरत में भी वही काम आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें ताकि हमें पता चले हमारा रब हमारे से क्या बात कर रहा है, और दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, दे वॉन्ट टू डिस्पर्स। तो एटम्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, इस्तेकाम हासिल करना चाहते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ऑप्शंस में से हमने देखा है कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल एंड हैंस दे आर नॉन रिएक्टिव। तो अगर एक एटम जो है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 के अंदर अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स और शामिल करेंगे तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। तो हम गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, वैलेंस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स, विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। आप देखें कि इसमें से इनर शेल में 2 होंगे 10 इलेक्ट्रॉन के और आउटर शेल में 8 होंगे, और जब हम आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम स्टेबल होता है, तो हम 10 ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेट रूल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल जो है वो है अटेनिंग ऑफ 8, जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो उसको ऑक्टेट रूल कहते हैं, जिससे एटम स्टेबल हो जाता है। तो वी आर फुल ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, तो अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो हम ऑप्शन डी को एनसर्कल करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम रिजल्ट्स इन कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें देर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम विच इज नॉन मेटल, इट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हम इस में आयनिक बॉन्ड की ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे। आयनिक बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोवलेंट, आयनिक, पोलर कोवलेंट और मेटेलिक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव एटम्स जो हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये आयनिक बॉन्डिंग में होता है, तो इसमें हम आयनिक बॉन्ड को एनसर्कल करेंगे क्योंकि इसमें एक एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज,
एटम बन जाता एक केटाइन पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, और दोनों में आयनिक बॉन्ड वजूद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नेट नॉन मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। अब हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं इज अ केमिकल बॉन्ड रिजल्टिंग फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल्स के अंदर बनता है, तो हम ए ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजली हैज वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन्स और फोर इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था कि बॉन्ड पेयर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेयर होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्डिंग पेयर कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर टू को एनसर्कल करेंगे। अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यूजली हैज टू इलेक्ट्रॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। आप देख रहे हैं कि CH4 जो है वो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और वाटर भी, और पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो आयनिक है। तो आयनिक बॉन्ड्स अकर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन्स एंड एनाइन्स, एंड दे आर नॉन डायरेक्शनल। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। तो इन सारी ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है पोटेशियम ब्रोमाइड वो आयनिक बॉन्ड है विच इज़ नॉन डायरेक्शनल, तो हम ऑप्शन बी को एनसर्कल करेंगे। हमारा जो है, उम्मीद है आपको एमसीक्यू पसंद आए होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर।